यू आर वॉचिंग पूंछ लाइव। शुक्रिया। जिला पुलिस पूंछ को आज नशे के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ एक भारी कामयाबी मिली है। एक हमारी पुलिस पूंछ की पार्टी आज सुबह 4 बजे, आज 4 तारीख को जनरल एरिया नंगाली साहब में गश्त पर पेट्रोलिंग पर थी एसएचओ साहब की क्यादत में। और जब वो वहाँ पहुंचे तो 2 शख्स मशकूक हालात में थे। जब उनको चैलेंज किया गया, उन्हें भागने की कोशिश करी गई। पुलिस पार्टी ने बड़ी हिकमती से बट टैक्टिकली उन दो बंदों को पकड़ा, उनको ट्रैक किया, जिनकी पहचान मोहम्मद मशकूक आशूक और मोहम्मद मारूफ के नाम से हुई है। और पर्सनल सर्च के दौरान मोहम्मद मशकूक से 2 पैकेट हीरोइन नंबर नारकोटिक्स का मादा बरामद हुआ, जिसे मौके पर सीज करके कार्रवाई करके अमल में लाया गया। और जब उसको फर्दर इंक्वायरी करी गई तो मोहम्मद मशकूक के इंकशाफ पर इलाका देगवार मालदिया से 3 पैकेट और मोहम्मद मारूफ के इंकशाफ पर 1 पैकेट और मिला। कुल मिलाकर 6 पैकेट का रिकवरी हुआ। और ये एक मैं आपकी बसाजत से लोगों को बताऊं कि बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे आपको पता है, ड्रग्स के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और इस केस में अभी तक जो इन 2 शख्स के अलावा कुछ और नाम भी हैं जो अभी सामने नहीं ला जा सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ लोग और हैं जो चाहे यहाँ पर हैं तो चाहे कहीं बाहर के मुल्क से भी इसमें इन्वॉल्व हों, उसके बारे में भी पेशरफ की जा रही है। और जब फर्दर उनके बारे में और क्लैरिफिकेशन होगी वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों की तरफ से बताता चलूँ कि नशे के खिलाफ जो हमारा कामयाबी है, अभी तक हमारे कोई 22 के करीब पर्चे लग चुके हैं और काफ़ी भारी मकदार में जैसा नारकोटिक्स हीरोइन वगैरह रिकवर किया है। लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे जो हमें सहयोग दे रहे हैं वैसे हमें और सहयोग दें। ऐसे केसेस में हमें नारकोटिक्स, जैसे इस केस में 6 पैकेट मिला है तकरीबन 6 किलो के करीब। सबसे बड़ी बात है कि 2 शख्स गिरफ्तार हुए हैं और हमें आगे तफ्तीश में और भी गिरफ्तारी की उम्मीद है। हम कोशिश करेंगे हम इस कार्टल को पूरा ध्वस्त करें। जनाब, इसमें यह है कि चूंकि मेरा इसमें सिंपल सा मानना है कि नारकोटिक्स कोई बैंड आइटम है, तो इसके रेट पर मैं कोई कोर्ट नहीं कर सकता। इसमें आपके मैं ऐड करता चलूँ, इस ऑपरेशन में भी हमें सरलव टालिन 5 जैक लैग से भी काफ़ी मदद मिला। यहाँ तक आपने कहा कि कितनी रोकथाम है, काफ़ी हद तक रोकथाम है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊँ कि पिछले दिनों हमने एक किस्म एक NDPS में एक शख्स को बंद किया जो असद रात से इलाका पुंछ में नशे की खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व था। पर्चे भी लगे, लेकिन बाद न आने पर हमने उसको NDPS में एक मखसूस अवधि के लिए बंद कर दिया। इस साल हमने और भी 3 PSA भी लगाए उन लोगों के खिलाफ जो OGW और नशे में इन्वॉल्व थे। यहाँ तक आप कह रहे हैं कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जो किसी भी चैनल से किसी भी माध्यम से हमारे नोटिस में आ रहा है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है, इस पर जो जिसकी इन्वॉल्वमेंट आएगी, जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ नाम सामने आ गए हैं और कुछ नाम हमें अभी सामने आएंगे, जो नाम आएगा उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे अगर आप इसमें सिंपल सोचें कि पहले उस इलाके में काफ़ी रिकवरीज हुई हैं, कुछ इनकाउंटर्स भी हुए हैं, तो चूँकि फेंस के आगे इलाका है, LOC के पास है, तो उसमें हम इसमें इनकार नहीं कर सकते कि वैसे कैसे है। लेकिन जो तफ्तीश चलती है वो अपने प्रोसेस से चलती है। तफ्तीश में जो फैक्ट्स आएंगे उनको लाकर अदालत मजार के सामने ला जाएंगे, ताकि जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और बाकी लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग इसमें पेरेंट्स, गलती से कोई बच्चा पड़ गया है उसका इलाज मुआवजा कराएं, और पेरेंट्स हमारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर अपना कोई ग्रीवेंस को एड्रेस करें, कोई बेचता है उसको बताएं। हम उतने ही कामयाब हैं जितना माशरा, जितना सोसाइटी हमको खबर देगी उतना पकड़ पाएंगे। देखिए, जो कोई ना कोई शख्स होता है वो कोई ना कोई काम करता ही करता है। अब उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है वो हम तफ्तीश में लाएंगे। अभी तो जिस FIR लगा है, FIR आगे चलेगा तो सारे इफेक्ट क्लियर होंगे इसमें।